इस वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्री का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। वीकली चार्ट से लेकर के हम 15 मिनट के चार्ट तक एनालिसिस करेंगे, मतलब आपको यहां पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, साथ ही साथ जब 15 मिनट पर एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए आप इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी उसे यूज कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वीकली चार्ट पर रिलायंस जो है सबसे पहले एक चैनल में है, यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है। अब देखिए एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देखिए ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री कंप्लीट रूप से एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अब मान लेते हैं कि रिलायंस यहाँ पर इस सपोर्ट रेल लाइन को ब्रेक कर देता है, ब्रेक कर भी देता है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखिए सपोर्ट मौजूद है इस ट्रेल लाइन के सिवा, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो डिमांड जोन है जहां पर देखिए रिलायंस पहले यहां पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, यहां पर क्या, यहां पर क्या, फिर यहां पर देखिए सपोर्ट लिया, फिर यहां पर सपोर्ट लिया, मतलब ये एक डिमांड जोन को क्रिएट कर रहा है। यहां पर रिलायंस फिर से यहां पर डिमांड जोन पर आने के बाद यहां से सपोर्ट ले सकता है और फिर से ऊपर जा सकता है। तो सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने से हम ट्रेड नहीं लेंगे, रिलायंस पूरी तरह से वीक तब होगा जब इस डिमांड जोन को ब्रेक करेगा, मतलब ये 2190 रुपये के नीचे जब रिलायंस निकलेगा तब जाकर के ये वीकली चार्ट पर रिलायंस जो है वीक होगा, यहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब ये डेली टाइम फ्रेम पर भी ये एक स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पर डिमांड जोन था और ये ट्रेंड लाइन जो है एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था। देखिए 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times ये हो चुका है जब इस ट्रेंड लाइन के पास रिलायंस इंडस्ट्री आया है। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ साथ एक और यहाँ पर सपोर्ट जोन मौजूद है, देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट जोन यहाँ पर और मौजूद है जहाँ पर रिलायंस जो है सपोर्ट ले सकता है। तो ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ पर देखिए रिलायंस जो है यहाँ पर सपोर्ट पिछले बार भी यहाँ पर फॉल हुआ था लिया था, तो इस बार भी हम वेट करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करे, फिर से इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करे तब जाके 2190 के नीचे ये ट्रेड करना शुरू होगा, तब आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये हुआ आपको जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है उस पे एनालिसिस। अब हम चलते हैं 15 मिनट पर कि हम इंट्राडे में रिलायंस को कब सेल कर सकते हैं या कब नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इंट्राडे में आते हैं, हम थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पर जूम आउट करते हैं। तो देखिए पर रिलायंस जो है एक जो पैटर्न बनाया है वो है बेयरिश फ्लैग पैटर्न। देखिए ये आपको पोल मिल गया और यहाँ पर देखिए ये फ्लैग मिल गया आपको, बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न, और उसका यहाँ पर जबरदस्त ब्रेकआउट हमें पिछले दिन देखने मिला। तो रिलायंस जो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न और इस पोल का यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने मिला पिछले दिन, और रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से काफ़ी यहाँ पर वीक देखने मिला, और देखिए यहाँ पर आया इस सपोर्ट जोन पे, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, तो काफ़ी बेहतरीन रूप से रिलायंस जो है अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, सपोर्ट जोन को फॉलो कर रहा है। तो रिलायंस को हम इंट्राडे पे भी और लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए सब के लिए सेल तभी करेंगे जब ये 2190 रुपया के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। इसके बीच यहाँ पर जो है रिलायंस इंडस्ट्री कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ पर सपोर्ट जोन पे कंसोलिडेट कर सकता है। अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो फिर तो आपको सेल करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। अगर इसी के आसपास सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट करता है फिर इसको ब्रेक करता है तो हमें एक बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पर मिलेगा 2190 के नीचे, जो कि हमें पॉसिबल नहीं दिख रहा है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड स्टॉक्स है, इतना बड़ा गिरावट हम इसमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हो सकता है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री कंसोलिडेट करता रहे, यहीं पर ट्रेड करता रहे इसी सपोर्ट जोन के आसपास, तो हम रिलायंस में ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, इससे कुछ सीखने मिला होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी हम रिलायंस इंडस्ट्री को फिलहाल यहां पर सेल नहीं करने के लिए सोचेंगे। आपका एनालिसिस अलग हो सकता है, आपका जो व्यू है वो रिलायंस इंडस्ट्री पे अलग हो सकता है, और कमेंट बॉक्स में अगर आपके भी कोई डाउट है, कोई सलाह है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।